दोस्तों, क्या आप ऐसे कपड़े के बारे में जानते हैं जिसे मनुष्य के शरीर पर स्प्रे करके बनाया जाता है, या फिर ये कि इंडियन फोर्सेस के सैल्यूट अलग अलग क्यों होते हैं और इनका क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो देखते रहिए ग्लोबल फैक्टम का ये एपिसोड। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारी थल सेना सैल्यूट में अपनी पूरी हथेली दिखाती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं है और उन पर विश्वास किया जा सकता है। वही जल सेना अपनी हथेली नीचे की ओर रखती है, जिसका अर्थ है कि उनके हाथों में ग्रीस या कीचड़ लगा हो सकता है, जिसे छुपाने के लिए वे ऐसा करते हैं। और हमारा एयरफोर्स अपना हाथ जमीन से 40 डिग्री पर रखता है, जो विमान के टेक ऑफ को दर्शाती है। दोस्तों, सैल्यूट कैसा भी हो, पर वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन फोर्सेस। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप उस लाइन का नाम जानते हैं जो दिन और रात को अलग करती है? दोस्तों, उस लाइन का नाम है टर्मिनेटर। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार क्यों किया गया था? दोस्तों, एक फ्रेंच डॉक्टर को किसी महिला के चेस्ट पर हाथ रखने पर असहज महसूस हो रहा था, इसीलिए स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया। है ना कमाल का। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, फैशन के इस दौर में लोग क्या क्या पहन सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक वाक्य है 2010 का MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में लेडी गागा सच में मांस के ड्रेस पहनकर आई थी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, स्पेनिश फैशन डिजाइनर मैलन टॉरेस ने एक ऐसे स्प्रे कपड़े का आविष्कार किया है, जिससे आप इच्छानुसार अपनी बॉडी पर कपड़ा स्प्रे करा सकते हैं, बाद में उसे उतार कर वाश करके दोबारा से प्रयोग भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस दुनिया में अनगिनत प्रेम कथाएं हैं, जिसमें एक मैं आपको बताता हूँ। 32 वर्ष की टॉम पीटर ने अपने आप को डालमेटियन डॉग में ट्रांसफॉर्म्ड करवा लिया, क्योंकि उनका पेट मर चुका था, जिससे उनकी पत्नी बहुत ही परेशान रहने लगी, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को उस डॉग के रूप में ढाल लिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने भी भारतीय सिक्कों में बने स्टार, डायमंड और सर्किल जैसे चिन्हों को देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनका क्या मतलब है? दोस्तों, अगर किसी सिक्के में स्टार बना है तो इसका ये मतलब है कि उसका निर्माण हैदराबाद में हुआ है। यदि डायमंड बना है तो इसका मतलब है कि वो मुंबई में, और इसी तरह सर्किल बना है तो उसका मतलब है कि वो नोएडा में। अगर किसी सिक्के में कोई मार्क नहीं है, इसका मतलब है कि उसका निर्माण कोलकाता में हुआ। दोस्तों, आज का सफर बस यही तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।